हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है इन्फेक्शियस डिसीज़, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हो जाएगा। तो देखते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़, यानी कि हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था इन्फेक्शियस डिसीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। ठीक है, तो इसमें अब इन्फेक्शियस डिसीज़ में इन्फेक्शियस एजेंट, तो कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं जो ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिसीज़ आर फाउंड इन वाइड रेंज सच एज अ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कुछ डिसीज़ है वो वायरस के थ्रू होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। कुछ डिसीज़ है वो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, ठीक है, वो देखेंगे एग्जाम्पल कौन से है। फिर फंगी के थ्रू भी देखने को मिलते हैं, और सिंगल सेल एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म उसे क्या बोलेंगे, प्रोटोजोआ, ठीक है, तो उसके थ्रू भी हमें डिसीज़ देखने के है, समझने के है। सम डिसीज़ आर आल्सो कॉज्ड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कौन से है इंक्लूडेड, तो वर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी कि वो टैप वॉर्म हो जाए या फिर जो राउंड वॉर्म है, तो वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको कुछ फोटोज़ दिखाए हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो वायरस के थ्रू, कौन से वायरस के थ्रू डिसीज होते हैं, फिर प्रोटोजोआ से, फिर कुछ टैप वॉर्म्स, सॉरी राउंड वॉर्म्स आपको यहाँ पर ये फिगर में दिखाया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो फोटो है ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। तो ये सार्स वायरस जो अभी हम जो कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो कोरोना वायरस भी ये एक सार्स वायरस का ही एक मेंबर है, यानी कि उसका ही सार्स, आपने कोरोना में भी ये सार्स वर्ड सुना होगा, तो ये सार्स वायरस का ही एक मेंबर है जो कोरोना वायरस फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो सार्स, ये जो आप पिक्चर जो देखने को मिल रही है, या फिर आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, जो एक इन्फेक्शियस डिसीज हो जाएगी या फिर इन्फेक्शियस एजेंट जो सार्स वायरस है, कमिंग आउट एंड सरफेस ऑफ द इन्फेक्टेड सेल, और वो कहाँ पर आएगा, इन्फेक्टेड सेल पर, एंड द वाइट स्केल लाइन रिप्रेजेंट 500 नैनोमीटर्स, यानी कि इसकी जो साइज वगैरह है तो वो कितने हो जाएगी, 500 नैनोमीटर, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। 1 नैनोमीटर यानी कि 10^-9 मीटर, 10^-9 मीटर 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर तो 500 नैनोमीटर है, यानी कि बहुत ही छोटा। तो विच इज़ अ हाफ माइक्रोमीटर, कितना हो जाएगा, हाफ माइक्रोमीटर, जो उसकी स्केल के बारे में बात करें तो विच इज़ द 1000 ऑफ मिलीमीटर्स एंड द स्केल लाइन गिविंग एन आइडिया हाउ स्मॉल थिंग्स वी आर लुकिंग एट आर, यानी कि ये बहुत ही एकदम से स्मॉल साइज का है। ठीक है, इसकी वजह से इसे किसमें इंक्लूडेड, वायरस जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स में हम इंक्लूडेड करते हैं। ठीक है, फिर दूसरी जो है वो स्टेफिलोकोकाई, कौन सी पिक्चर है, ये स्टेफिलोकोकाई जो बैक्टीरिया है, ठीक है, और उसके थ्रू कॉज एक्ने, जो पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, तो उसके पीछे का रीज़न ये वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, जो स्टेफिलोकोकाई करके, आप इसका नाम और कौन सा डिसीज होता है वो आप याद रख सकते हैं, स्टेफिलोकोकाई नाम के जो बैक्टीरिया, उसके थ्रू वो कॉजेस कौन क्या करते हैं, एक्ने, विच कैन कॉज एक्ने। ठीक है, फिर दूसरा जो पिक्चर है, पिक्चर ऑफ द ट्राइपेनोसोमा, क्या नाम है, ट्राइपेनोसोमा, जो एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपर
स्लीपिंग सिकनेस की जो डिसीज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ में? तो ट्राइपेनोजोमा। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये जो बताया वो रेड ब्लड सेल है, और उसके बाजू में ये जो है वो ट्राइपेनोजोमा जो एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, फिर एक दूसरा प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल बताया आपको लेस्मानिया, जो यहाँ पर पिक्चर आपको दिखाई है। ये लेस्मानिया आपको 10th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में आएगा, जो एक प्रोटोजोआ है, और वो उसके थ्रू कौन सी डिसीज होती है? तो काला अजार नाम की जो एक डिसीज है, तो वो डिसीज ये लेस्मानिया प्रोटोजोआ से देखने को मिलेगी। ठीक है, जो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसी ऐसी देखने को मिलती है। उसके एक एंड पर एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो यहाँ पर आपको वाइप लाइक स्ट्रक्चर से बताया रिप्रेजेंट किया हैज़ अ लॉन्ग वाइप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड वन ऑर्गेनिज्म अराउंड द डिवाइडिंग एंड वाइल अ सेल ऑन इम्यून सिस्टम, यानी कि ये वाला जो सेल है वो एक इम्यून सिस्टम का है, वाइट ब्लड सेल। फिर उसके बाद है राउंड वॉर्म्स, तो यहाँ पर भी राउंड वॉर्म्स जो किस किस में देखने को मिलेगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्टेड करने वाले हैं। ठीक है, थीके? जो जिसका जो डायमीटर बोले तो 4 सेंटीमीटर जितना हो जाएगा, वो राउंड शेप में आप देख सकते हैं इसका राउंड वॉर्म। ओके, तो हमने जो देखा था कि जो यहाँ पर देखा ना कि जो कौन से थ्रू हो सकता है, कि सम ऑफ देम वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स, तो वही पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। ठीक है, थीके? अब हम देखते हैं उसके एग्जाम्पल कौन से किसके थ्रू देखने को मिलेंगे। तो जो कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिसीज कॉज बाय वायरस, तो कौन से हो जाएंगे? वायरस के थ्रू होने वाले जो है वो कॉमन कोल्ड्स है, इन्फ्लुएंजा है, फिर डेंगू फीवर जो है। ठीक है, तो ये सारे, फिर इसके साथ एड्स। ओके, तो एड्स भी एक वायरस वाला डिसीज है। ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड एम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम, जिसका जो वायरस का नाम है वो क्या क्या है? HIV। उस वायरस का नाम क्या है? HIV। ठीक है, और उस डिसीज का नाम एड्स। ओके, और HIV का फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस। ठीक है, और इसका क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, फिर डिसीज लाइक टाइफॉइड, फिर टाइफॉइड है, फीवर है, कॉलेरा है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, फिर एंथ्रेक्स है, तो वो किसके थ्रू होते हैं? बाय बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, फिर मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शन कॉज बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फंगी, तो फंगी के थ्रू मोस्ट ऑफली कैसे देखने को मिलेंगे डिसीज? जो स्किन इन्फेक्शन वाले डिसीज हमें देखने को मिलेंगे। फिर जो प्रोटोजोआज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कॉज मैनी फेमिलियर डिसीज सच एज अ मलेरिया है एंड काला अजहर। ठीक है, जो काला आजार अभी हमने देखा वो किसके थ्रू होता है? तो जो लेस्मानिया नाम का जो प्रोटोजोआ है उसके थ्रू काला आजार डिसीज देखने को मिलेगा। फिर जो वॉर्म्स होते हैं, तो ऑल्सो ऑफ ऑल ऑफ अस हैव ऑल्सो कम अक्रॉस इंटेस्टाइन वॉर्म इन्फेक्शन एज वेल एज डिसीज लाइक एलिफेंटियासिस कॉज बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वॉर्म्स, यानी कि ये इंटेस्टाइन में भी वॉर्म्स इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो एलिफेंटियासिस जो डिसीज है वो भी किसके थ्रू होता है? वॉर्म्स के थ्रू होता है। ठीक है, वो भी डिसीज स्पीसीज ऑफ वॉर्म्स के थ्रू देखने को मिलेगा, यानी कि पर्टिकुलर वॉर्म्स की कुछ स्पीसीज जो जाती है पर्टिकुलर, तो उसके थ्रू ये एलिफेंटियासिस होता है। आगे देखते हैं, तो ये पर्टिकुलर
आपको याद रखना है कि वायरस के थ्रू कौन से डिसीज होते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से देखने को मिलेंगे और वॉर्म्स के थ्रू कौन से देखने को मिलते हैं, ठीक है। वाई इज द इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक्स ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शंस एज एन, तो द आंसर इज द कैटेगरी आर इम्पोर्टेंट फैक्टर डिसाइडिंग दैट वॉट काइंड ट्रीटमेंट ऑफ यूज मेंबर ऑफ ईच ऑफ दिस ग्रुप। यानी कि अब ये इन्फेक्शियस एजेंट के ऊपर से हमें ये पता चलता है कि जो डिसीज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ठीक है। जो वायरस के थ्रू होते हो तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट की जाती है, बैक्टीरियाज एंड सो ऑन, यानी कि जो फंगस के थ्रू हो रहा हो या फिर वर्म्स के थ्रू हो रहा हो, ठीक है। तो हैव अ मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन, तो ये सब में बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक उनमें कॉमन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो वायरस है, तो वायरस फॉर एग्जाम्पल लिव इनसाइड होस्ट सेल। अब ये जो वायरस जो होता है वो पर्टिकुलर जब एटमोस्फियर में या फिर कोई पर्टिकुलर लिविंग बॉडी के बाहर होता है तब वो डेड फॉर्म में होगा, ठीक है। बट जैसे ही कोई उसे होस्ट मिल जाता है, इट मीन्स उन्हें उससे रेडीमेड खाना वगैरह फूड वगैरह प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ऐसी लिविंग बॉडी को उसके लिए क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है, जिसके अंदर वो अपना अपने को रेप्लिकेट करता है, इट मीन्स अपनी नंबरिंग बढ़ाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने लगता है, ठीक है। जैसे कि ये कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस भी क्या करता है, तो ह्यूमन की बॉडी ह्यूमन बॉडी उसके लिए होस्ट बन जाएगी और उसके अंदर अपनी नंबरिंग बढ़ाता है। और जैसे ये इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो फिर उसे भी वो डिसीज होती है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक कोरोना वायरस भी क्या है, इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड डिसीज है, इन्फेक्शियस डिसीज है, ठीक है। तो ऑल वायरस फॉर एग्जाम्पल लिव इनसाइड द होस्ट सेल वेयर एज द बैक्टीरिया इज वेरी रेयरली डू। तो वायरस वायरस है, बैक्टीरियाज है, फंगी है, मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, यानी कि उनकी नंबरिंग बहुत ही स्पीडीली रैपिडली मल्टीप्लाई होती है, यानी कि प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एंड वाइल वॉर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपेरिजन, तो इनके कंपेरिजन जो वॉर्म्स है वो कम होते हैं। फिर टेक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू वायरस एंड वाइस वर्सा। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो दूसरे बैक्टीरियाज के एकदम क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इसी तरह वायरस में भी देखने को मिलेगा। दिस मीन्स दैट मैनी इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरियाज ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप। तो ये बैक्टीरिया एक दूसरे से सिमिलर हो गए बट वायरस के अकॉर्डिंग नहीं। एज अ रिजल्ट ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस इज वन मेंबर ऑफ ग्रुप लाइकली टू बी इफेक्टिवली एजेंट मैनी अदर मेंबर ऑफ दी ग्रुप, बट सेम ड्रग्स विल नॉट वर्क एजेंट इन माइक्रोब बिलोंगर डिफरेंट ग्रुप। तो पर्टिकुलर एक ही ग्रुप के माइक्रोब्स होंगे तो उनके ऊपर कुछ ड्रग्स वगैरह हम इंक्लूड कर रहे हैं, इट मीन्स मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है। तो वो मान या फिर हमने वो मेडिसिन बनाई तो वो उसके रिलेटेड वाले जो माइक्रोब्स हैं उनके ऊपर वो इफेक्ट कर सकता है, बट जो पूरा ग्रुप ही उन माइक्रोब्स का बदल जाएगा तो फिर उसके ऊपर वो ड्रग्स इफेक्टेड होता नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल बताया है आपको एंटीबॉडीज का, सॉरी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो जिसमें दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकली पाथवे इम्पोर्टेंट फॉर अ बैक्टीरिया। तो वो क्या करता है, एंटीबायोटिक्स जो ड्रग्स है यानी कि वन टाइप ऑफ मेडिसिन है वो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, तो जो बैक्टीरियाज का जो बायोकेमिकली पाथवे है वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब ये कैसे ब्लॉक, तो बैक्टीरिया अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो सेल वॉल क्रिएट करते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है वो उनकी सेल वॉल बनने देता नहीं है और इसकी वजह से वो बैक्टीरियाज क्या हो जाएंगे, हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू मर जाएंगे, ठीक है, या फिर ऐसे ही वो उनके सराउंडिंग प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा जो सेल वॉल का, तो इसकी वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है। तो वही बात इस पैराग्राफ में है कि मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल
मेक अ सेल वॉल टू अ प्रोटेक्ट देम सेल्व, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरियाज है वो क्या करते हैं, अपने को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सेल वॉल बनाते हैं। एंड द एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन, ये नाम आप याद रख सकते हैं, कौन सी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक है वो ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड्स द सेल वॉल। तो वो क्या करते हैं, उनकी जो सेल वॉल बनने की जो प्रोसेस है, जो बायोकेमिकल, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, वो होने देते नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से एज द रिजल्ट ग्रोइंग बैक्टीरियल बिकम अनएबल टू मेक सेल वॉल। तो जो ग्रोइंग बैक्टीरियल है वो अब सेल वॉल बना सकते नहीं है और इसकी वजह से वो इजीली डाई हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है ह्यूमन सेल यानी कि वो भी एक एनिमल सेल है, ठीक है। तो एनिमल सेल के सराउंडिंग तो सेल वॉल देखने को मिलती नहीं है। तो इसकी वजह से ये पेनिसिलिन जो है वो एनिमल सेल इट मीन्स ह्यूमन सेल को इफेक्ट करती नहीं है, ठीक है। तो पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरियल दैट यूज सच अ प्रोसेस टू मेकिंग सेल वॉल। सिमिलरली मैनी एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट मैनी स्पेसिफिक बैक्टीरिया रेदर देन सिंपली वर्क अगेंस्ट वन, ठीक है। तो ये जो भी बैक्टीरियल डिसीज होगी तो वो उसके ऊपर ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स वर्क कर सकती है, ठीक है। बट जो वायरस के थ्रू होता है तो उसके ऊपर ये एंटीबायोटिक्स वर्क हो सकती नहीं है, तो वो भी आप यहाँ पर देखोगे। बट वायरस डू नॉट यूज दिस पाथवे एट ऑल, दैट इज द रीजन व्हाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। एंड इफ वी हैव कॉमन कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट रिड्यूस सेवरिटी और ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज। यानी कि अब आपको वायरल इन्फेक्शन वाला कोई कॉमन कोल्ड हुआ है, ठीक है, तो वो आप एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेकर आप उससे उसको रिलीफ या फिर कम कर सकते नहीं है, ठीक है। हाउएवर इफ वी ऑल्सो गेट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलॉन्ग विद द वायरल कोल्ड, ठीक है। अब मान लो कि वायरल कोल्ड आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ हुआ है, यानी कि उसके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ है, तो फिर ये एंटीबायोटिक्स आपके ऊपर काम कर सकती है, यानी कि आपके बॉडी में वो काम कर सकती है। टेकिंग एंटीबायोटिक्स विल हेल्प इवन देन द एंटीबायोटिक विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन। यानी कि उसमें भी सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल पार्ट वाले इन्फेक्शन पर ही वो काम करेगी, नॉट अ वायरल इन्फेक्शन, नहीं कि वायरल इन्फेक्शन वाले वायरस पर वो काम करेगी, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में, ओके। अब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड। तो ये जो किन किन के थ्रू ये डिसीज स्प्रेड होते हैं उसके बारे में हमें समझना है। तो ये जो इन्फेक्शियस डिसीज कैसे स्प्रेड होते हैं, तो मैनी माइक्रोबियल एजेंट कैन कॉमनली मूव फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन वैरायटी ऑफ वेज। तो जो माइक्रोबियल एजेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स टाइप से एक अफेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन तक डिफरेंट डिफरेंट वे से वो ट्रांसफर होते हैं, बाय एयर से, फिर बाय वाटर से, ठीक है, फिर कांटेक्ट में आने से, ठीक है। तो इस तरह से वो देखेंगे यहाँ पर, तो वो उस तरह से वो क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। इन अदर वर्ड दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। तो इस तरह से जो पर्टिकुलर फैक्टर के थ्रू वो स्प्रेड होते हो, तो ऐसे डिसीज को क्या बोला गया है, कम्युनिकेबल डिसीज बोला गया है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है कि सच डिसीज कॉज माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू थ्रू द एयर। तो कुछ डिसीज जो माइक्रोब्स वाले जो किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं, एयर के थ्रू, ठीक है। तो ये एयर एक फैक्टर हो जाएगा उसके लिए। दिस अकर थ्रू द लिटल ड्रॉपलेट थ्रो आउट बाय द इन्फेक्टेड पर्सन।
अब होगा क्या यहाँ पर कि जो इन्फेक्टेड पर्सन जब स्नीजिंग हो रहा कर रहा है या फिर वो कफ्स निकाल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम उसके जो ड्रॉपलेट है वो क्या हो जाएंगे, एयर में स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। दिस अकर थ्रू द लिटल ड्रॉपलेट थ्रो आउट बाय द इन्फेक्टेड पर्सन वू स्नीज एंड और अ कफ्स। सम स्टैंडिंग क्लोज बाय कैन ब्रीथ इन दिस ड्रॉपलेट। अब मान लो कि उसके नज़दीक कोई उसका फ्रेंड वगैरह या कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा फिर उस वही ड्रॉपलेट उसके ब्रीथिंग के थ्रू उसके बॉडी में जाने वाले हैं, और उसके साथ साथ उसके अंदर प्रेजेंट जो माइक्रोब्स है, इट मीन्स जो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो भी हो, तो वो भी उसके बॉडी में फिर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। एंड माइक्रोब्स गेट चेंज टू स्टार्ट न्यू इन्फेक्शन। और अब इसे अब नया एक इन्फेक्शन करने वाला एक बॉडी मिल जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच अ डिसीज स्प्रेड थ्रू द एयर इज द कॉमन कोल्ड, फिर न्यूमोनिया एंड द ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। तो वो एयर के थ्रू स्प्रेड होते हुए डिसीज है। नेक्स्ट देखते हैं कि वी ऑल हैव हैड एक्सपीरियंस और सिटिंग नियर समटाइम सफरिंग फ्रॉम दी कोल्ड एंड कैचिंग इन आवर सेल्स। इसके साथ साथ हम किसी इस ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के नज़दीक भी बैठ गए हो तो भी हमें ये होने के चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली देर आर मोर क्राउडेड अवर लिविंग कंडीशन आर दी मोर लाइकली दैट सच अ एयरबॉर्न डिसीज विल स्प्रेड। तो जो एयरबॉर्न डिसीज है वो फिर ऑब्वियसली इस तरह से क्राउडेड में लोग इकट्ठे हो गए तो फिर वो स्प्रेड होने वाला है, नए इन्फेक्शन करने वाला है। जैसे कि ये कोरोना में भी आपने देखा होगा कि क्राउडेड की मना कर दिया था, ठीक है, इसकी वजह से लॉकडाउन जैसी परिस्थिति लाई गई थी, ठीक है, अभी भी चल रही है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि ये इस तरह से एयर में स्प्रेड हो रहा है तो इसकी वजह से ज़्यादा वो इन्फेक्टेड करेगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा ना हो इसकी वजह से इस तरह की कंडीशन की जाती है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। आगे देखते हैं अब कि डिसीज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू अ वाटर। अब नेक्स्ट जो है वो वाटर के थ्रू भी डिसीज स्प्रेड होते हैं। कैसे? दिस अकर इन द एक्सक्रेटा फ्रॉम सम वन सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शियस गट डिसीज सच एज अ कॉलेरा। तो फिर अब ऐसा क्या होगा कि गेट मिक्सड विथ द ड्रिंकिंग वाटर यूज्ड बाय पीपल लिविंग नियर बाय। और ऐसा पानी जब पीपल्स के थ्रू पिया जाएगा, ड्रिंक किया जाएगा, तो फिर वो भी क्या हो जाएंगे, कॉलेरा से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। द कॉलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स विल एंटर द हेल्दी पर्सन एंड थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड कॉज डिसीज इन देम। तो सच डिसीज आर मच मोर लाइकली स्प्रेड इन द एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और इसकी वजह से जो अच्छा प्योर वाटर या फिर सेफ सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर ना मिलने की वजह से भी इस तरह के डिसीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोलेरा का वाटर के लिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट किस तरह से वो स्प्रेड हो सकता है, तो सेक्सुअली कांटेक्ट में या फिर सेक्सुअली एक्ट के थ्रू भी डिसीज स्प्रेड हो सकते हैं। अब ये कैसे, तो वो भी देख लेते हैं कि द सेक्सुअल एक्ट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट टू पीपल कैन हैव विथ ईच अदर। यानी कि जब दो पीपल एक दूसरे से सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में आते हैं तब भी ये डिसीज सेक्सुअली एक्ट वाले डिसीज हो सकते हैं, जैसे कि एड्स हो गया, फिर जो सिफिलस करके डिसीज है वो है, ठीक है। तो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है STDs, तो ऐसे डिसीज इनके थ्रू देखने को, सेक्सुअल एक्ट के थ्रू देखने को मिलेंगे। कौन से? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, STD। नॉट अ सरप्राइजिंगली देर आर द माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच एज सिफिलिस और एड्स।
दैट आर ट्रांसमिटेड बाय अ सेक्सुअली कॉन्टेक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू दी अनदर, यानी कि अदर. However, such sexual transmitted disease are not spread by cause physical contact including handshakes, hugs and or sports like wrestling, ठीक है, or by any other ways in which touch each other socially. यानी कि ये जो मैंने अभी बताया ना STD, यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, तो वो फिजिकली कांटेक्ट में आने से वो स्प्रेड होता नहीं है. किस तरह फिजिकली कांटेक्ट, तो जो हैंड शेक करे या फिर हग करे, स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग है, ठीक है, तो इस तरह से वो स्प्रेड हो गए नहीं. कौन से, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है. अदर देन द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, the virus causing AIDS also spread through a blood to blood contact with the infected people. यानी कि वो infected people का blood कोई दूसरे people में दे दिया जाए, या फिर उसकी जो syringe वगैरह use की हो, ठीक है, infected person की, और दूसरे person में use कर दी जाए, तो भी ये AIDS हो सकता है. यानी कि ये जो sexual जो AIDS virus के थ्रू होता है वो इसके थ्रू हो सकता है, ठीक है. फिर इसके साथ साथ और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू दी हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, तो जो इन्फेक्टेड मदर हो, ठीक है, जो प्रेग्नेंट हो, ओके, तो उनके बेबी को भी वो इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर जो फीडिंग जब छोटे बच्चे होते हैं तो उससे ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है, ठीक है, तो वो भी जो इन्फेक्टेड मदर हो तो भी उसके बच्चे में वो इन्फेक्शन आ सकती है, ठीक है. तो वी लिव इन द एनवायरमेंट दैट इज फुल ऑफ द मैनी अदर क्रिएचर अपार्ट फ्रॉम अस, एंड इट इज अ इनविटेबल that many disease will be transmitted by other animal, and this animal carrying infecting agent from sick person to another potential host, and this animal are thus intermediated and are called vector. It means जो ये एक vector की define हो जाएगी, कहाँ से, कि ये रहा this animal से, कि this animals carrying infecting agent. तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो इन्फेक्टिंग एजेंट को क्या करते हैं, अपने पर कैरी करके एक सिकिंग पर्सन से पोटेंशियल, इट मींस जो हेल्दी पर्सन पर वो ट्रांसफर करते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल दे तो जो मॉस्किटोज होते हैं, तो मॉस्किटोज एक वेक्टर की तरह रिएक्ट करते हैं जो इन्फेक्टेड इन्फेक्टिंग एजेंट होते हैं, जो वायरस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, तो उन वो उसकी बॉडी पर उसकी बॉडी पर कांटेक्ट में आकर क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या फिर स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है. तो ये वेक्टर्स, इट मींस जो एक टाइप का व्हीकल हो जाएगा, यानी व्हीकल यानी एनिमल, एक ये है तो एक टाइप के एनिमल, बट वो क्या करते हैं, इन्फेक्टिंग एजेंट के लिए एक व्हीकल हो जाएगा जो एक जगह से दूसरी जगह वो डिसीज को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. तो उसके एग्जांपल में मॉस्किटोज हम लिख सकते हैं. तो द कॉमनेस्ट वेक्टर वी ऑल नो आर मॉस्किटोज, ठीक है. इन मैनी स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज द फीमेल नीड हाईली न्यूट्रिशियस फूड इन द फ्रॉम ऑफ ब्लड इन ऑर्डर टू बी एबल ले मैच्योर एग, ठीक है. एंड मॉस्किटोज फीड ऑन मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल इंक्लूडिंग अस, यानी कि ये मॉस्किटोज जो क्या करते हैं, खून चूसते हैं हमारा, और वो भी कौन से, कैसे एनिमल का, वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स है, तो उसमें हम ह्यूमन भी इंक्लूड हो गए, ठीक है. तो ऐसे एनिमल के अंदर उनका खून चूसते हैं, ठीक है. तो जब वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएगी और उसके ऊपर कोई इन्फेक्टिंग एजेंट टिपका हुआ होगा, तो फिर वो हमारी बॉडी पर आकर हमें भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है.
इन दिस वे दे कैन ट्रांसफर डिसीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इसी की वजह से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर इन्फेक्टिंग एजेंट को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो हमने देखा अभी लास्ट टॉपिक जो कौन सा था, मीन्स ऑफ स्प्रेड। ठीक है, तो आज हमने इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में देखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर क्लियर होता है। ओके, थैंक यू।